जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। दोस्तों आपको बता दूं कि तीन बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। दोस्तों खबर क्या क्या है आपको बता दूं। दोस्तों देवघर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है और वहीं दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों क्या है खबर बताएंगे पूरे विस्तार से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों देश प्रदेश और कुशीनगर एयरपोर्ट से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि खबरों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज की पहली खबर में आपको बता दें कि गोरखपुर के पिपराइज थाना क्षेत्र के मठहनिया सोमाली गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर में एक बार फिर हैवानियत का खेल खेला गया है। हत्यारे ने 5 साल के मासूम की हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। रात में परिजनों के साथ छत पर सोते समय उसका अपहरण करने के बाद हत्या कर उसका शव हत्यारे ने गन्ने के खेत में फेंक दिया। दोस्तों आपको बता दें कि शव के दोनों हाथ मटमैले कपड़े से पीछे बंधे हुए थे। अर्धनग्न हाल में मिले शव के मुंह में भी कपड़ा ठूसा गया था। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर के पिपराइज थाना क्षेत्र के मठहनिया सोमाली गांव के पश्चिम में रामानंद सिंह के गन्ने के खेत में 5 साल के मासूम का शव मिला है। शव की पहचान गाँव के ही दिलीप निषाद के 5 साल के पुत्र गजेंद्र साहनी के रूप में हुई है। गजेंद्र की नृशंस तरीके से हत्या की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बीती बुधवार की रात परिजनों के साथ छत पर सोया था। जब भोर में परिजनों की नींद खुली तो मासूम गायब था। इसके बाद ग्रामीणों के साथ परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की। दोपहर 12:30 बजे के करीब गन्ने के खेत में उसकी लाश मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की हत्या की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गोरखपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा और अन्य अधिकारियों सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। SSP ने शव की शिनाख्त परिजनों के कराने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आशंका जताई जा रही है कि किसी करीबी ने ही रंजिशन घटना को अंजाम दिया है। हत्यारे ने बच्चे का हाथ पीछे बांध दिया था। इसके साथ ही बच्चे का कपड़ा उसके मुंह में ठूस दिया था। नृशंस तरीके से की गई हत्या के पीछे की वजह तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने मृत बच्चे के घर पहुंचकर उनसे जानकारी भी हासिल की है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की हत्या किसने और क्यों की इसका अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस परिजनों से तहरीर लेकर हत्यारे की तलाश में जुटी है। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर के SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पिपराइज के मठहनिया सोमाली गांव में 5 साल के एक मासूम की लाश गन्ने के खेत में मिली है। उसका हाथ पीछे बंधा हुआ है, शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले। उन्होंने बताया कि पुलिस ने परिजनों से बातचीत की है, उन्हें किसी पर शक नहीं है। पुलिस परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि मामला कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उड़ान के लिए लाइसेंस 1.5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। पूर्व में इस हवाई अड्डे को मिला यह लाइसेंस 21 अगस्त 2021 को खत्म हो जाएगा। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इस लाइसेंस को 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। लाइसेंस की वैधता तिथि अब 21 फरवरी 2023 तक हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर DGCA ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उड़ान शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया था। यह प्रदेश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस है। इसके साथ ही यह प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे वाला हवाई अड्डा है। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद इस एयरपोर्ट को लाइसेंस बीते 22 फरवरी 2021 को जारी हुआ था। उसकी अवधि 6 माह की थी। दोस्तों आपको बता दें कि इस 6 महीने के अंदर अथॉरिटी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने मीटिंग कर तैयारियों का जायजा लिया था। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी व निवर्तमान केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक साथ हवाई अड्डा पहुंचकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद प्रत्येक बिंदु पर निरीक्षण किया था। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद भी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान आरंभ नहीं हो सकी और 6 महीने के लाइसेंस की अवधि भी समाप्त हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के डायरेक्टर AK द्विवेदी ने बृहस्पतिवार की देर शाम को बताया कि 6 महीने की अवधि समाप्त होने वाली है। DGCA ने इसकी अवधि अब 1.5 साल तक बढ़ा दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर देवघर एयरपोर्ट को लेकर के है।
दोस्तों आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट में सोलर पैनल वाला पार्किंग जोन बनाया गया है। पूर्वी भारत में किसी भी एयरपोर्ट में इस तरह का पार्किंग जोन नहीं है। देवघर एयरपोर्ट के पार्किंग जोन का सेट पूरी तरह सोलर पर आधारित है। इससे 300 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे पार्किंग एरिया की लाइट की खपत को मेंटेन किया जाएगा। सोलर पार्किंग जोन में एक साथ 60 कार को रखे जाने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पार्किंग के पास ही फूड कोर्ट तैयार किया जा रहा है। पार्किंग एरिया में बस व अन्य वाहनों के लिए भी अलग अलग जगह चिन्हित की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक संदीप डिंगरा ने बताया कि वैसे तो कोलकाता समेत पूर्वी भारत के अन्य एयरपोर्ट में सोलर प्लांट लगाया गया है, लेकिन पहली बार देवघर एयरपोर्ट में पार्किंग के शेड में सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट लाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों समेत अन्य प्राइवेट कार की पार्किंग इसमें की जाएगी। यहाँ हर सेक्टर के कार्यों में अलग अलग लुक रहेगा। इससे पर्यटक भी आकर्षित होंगे। एयरपोर्ट के टर्मिनल में ग्लास फिटिंग का काम अंतिम चरण में है। ग्लास फिटिंग का पूरा होते ही टर्मिनल बिल्डिंग का लुक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य धीरे धीरे अंतिम चरण में पहुंच रहा है। इससे पहले एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों को एयर कंडीशन की सुविधा समेत 24 घंटे ठंडा पानी मुहैया कराने के लिए एयरपोर्ट कैंपस में इलेक्ट्रिक सर्विस रूम तैयार किया गया है। इस सर्विस रूम से रनवे समेत टर्मिनल बिल्डिंग, ATC व पूरे एयरपोर्ट परिसर में बिजली आपूर्ति होगी। वहीं दोस्तों टर्मिनल में 6 चेक इन काउंटर भी बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा टर्मिनल से यात्रियों के विमान तक जाने के लिए 2 बोर्डिंग गेट भी तैयार किए गए हैं। साथ ही सिक्योरिटी होल्ड पॉइंट, चाइल्ड केयर रूम, एयरपोर्ट में प्रवेश करने के लिए VIP गेट समेत यात्रियों के अराइवल व डिपार्चर गेट भी तैयार कर दिया गया है। दोस्तों सितंबर में देवघर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों आज की खबरों में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों देश प्रदेश से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि खबरों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।